الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. कोई दंगा फसाद नहीं, कोई ताना तुनकी नहीं. कुछ लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में क्यों पढ़ना है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा किए. बेशक मस्जिद हो या मंदिर हो, ये हीटर के नीचे बैठकर लोग इत्मीनान से इफ्तारी कर रहे हैं. देखो जैसा हम लोग इंडिया पाकिस्तान में देखते ना, वैसी मस्जिद आपको नहीं देखने मिलेगी कि भाई एक ऐसा टाउन जहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहते. अब हम इंडिया से आ गए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब यहाँ आए तो. सो बस अभी एक्चुअली मैं दूसरी मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ. क्या खूबसूरत शाम लग रही है यार, बड़ा खूबसूरत लग रहा है वैसे तो यहाँ पर. ये देखो अब चलते हैं मस्जिद की तरफ. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा मैंने यार लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था भाई, एक और मस्जिद की वीडियो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि भाई अमेरिका में दूसरी दूसरी जगह भी है भाई कि जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं. तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना भाई, इतना एक्साइटिंग होने वाला है ना, और इतना यूनिक वीडियो रहेगा कि आप लोग देखकर खुद हैरान हो जाओगे भाई क्या देख रहे हैं हम लोग. हाँ तो, भाई हाँ, ये अमेरिका ही है. ये लो, तो मेरे साथ एक्चुअली आए हुए इनका नाम है सलीम भाई. ये मेरे काफी अच्छे दोस्त है, जब से मैं अमेरिका आया हूँ ना, जब से मेरी इनकी दोस्ती हुई. जिस जगह पर मैं आया हूँ ना भाई, ये जगह मैरीलैंड स्टेट में ही है, बिकॉज हम लोग मैरीलैंड स्टेट में ही रहते. लास्ट टाइम जो मैं गया था एक मस्जिद, जो आप लोगों ने वीडियो देखे थे भाई, वो जो वीडियो था वो भी मैरीलैंड का ही था. काफी लोग बोल रहे थे भाई एड्रेस नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, तो मैं उसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस मस्जिद का भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो खैर जरा सलीम भाई से पूछते कि ये एरिया है क्या, क्या कर रहे हैं सलीम भाई, कितने टाइम से अमेरिका में, और क्या हिसाब किताब है यहाँ पर भाई, मुसलमान कैसे रहते हैं, कैसे इफ्तारी करते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को. ये जगह का नाम है क्रॉफ्टन. जैसे इंडिया में नहीं होता है खार बांद्रा शांता क्रूज, यहाँ पे है ग्लेन बर्नी ऑडिंगटन और क्रॉफ्टन. अंदर छोटी सी वादियों में ये हमारा मस्जिद है. 30-35 साल हो गया हम लोगों को. अच्छा. 90 में आया था, 35 साल हो गया. इस शहर को मैंने अपने आंखों के सामने तिल तिल जवान होते हुए देखा है कि खूबसूरती आप देखो, आप कैमरे में नजर आ रहा है. इतनी अच्छी जगह है ये, यहाँ सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, सबके सपने पूरे हो जाते हैं. इतना शांत है, इतना एकांत है, इतनी खामोशियां ताड़ी है यहाँ पे कि जैसे भी दुआ मांगो, जिस हाल में भी दुआ मांगो, आपकी दुआ जरूर पूरी होती है. आपका दिल, आपकी नजर, आपका कल्ब साफ होना चाहिए. क्या बात है सलीम भाई, एकदम मेरे दिल की बात बोल दी भाई. आपका दिल साफ होना चाहिए. हरकत है तो बरकत है. हरकत है तो बरकत है भाई. सलीम भाई ना एक्चुअली है मुंबई से. हाँ. तो मैं भी मुंबई से, ये भी मुंबई से. आराम से आपको आज की वीडियो में ना उतना मजा ही आएगा. ये मस्जिद कब से है सलीम भाई यहाँ पर? एक मस्जिद को हो गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, 2005 में स्टार्ट हुआ था. 2005 में स्टार्ट हुआ था. 94 में हम लोग एक छोटे से जगह पे घर के अंदर, हम लोग छोटे से घर के अंदर लोग नमाज पढ़ा करते थे, मुश्किल से 12-13 आदमी, और करते 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 आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए. आज ये जो जमीन है ये 20 एकड़ में है. 20 एकड़ में जमीन है, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतनी छोटी सी कम्युनिटी, मतलब अब ये कहो कि हम लोग छोटा सा परिवार है. चाचा नाना दादा काका सब बच्चे हमारे सामने बड़े हुए. हम बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए. लोग जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क गए, सब एक जैसे ही लगते हैं. तो मतलब आपको मतलब कभी ऐसा बॉम्बे अपने हिंदुस्तान की याद आती है? मतलब कभी ड्यूरिंग रमजान के टाइम पे कभी ऐसा घर याद आता है जैसा वहाँ पर इफ्तारी वगैरह होती थी? हाँ याद तो आता है, लेकिन अब वहाँ वो मजा नहीं है. जो मजा यहाँ आता है मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे रमजान के महीने में सब कुछ हो तो यही मजा आता है. अच्छा. क्योंकि पूरा 300 दिन हम मस्जिद में रहते हैं. हाँ, हाँ. हंसी मजाक, खाना पीना, इफ्तारी सेहरी, सब कुछ यही होता है. हर मुल्क के लोग यहाँ पे हैं. हाँ. पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, स्वीडन, और सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से. कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, जो कुछ भी है क्या बताऊं मैं. सही बात है. तो मतलब भाई ये बताने की, ये हमारे घर में ही जो कुछ है. सही बात है. बाहर कुछ भी नहीं है, घर का ही है सब कुछ. हाँ, सारा खेल घर का ही है. सही बात है. तो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मतलब यहाँ पर लोग है ना अमेरिका में, जब आप कोई भी धर्म को फॉलो करो आप है ना इजीली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि भाई कोई यहाँ रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है. जबकि यहाँ पे ईद के दिन, ईद के दिन हम लोगों को जो सामने जो चर्च नजर आ रहा है आपको, वहाँ हमको बोलते पार्किंग करो. अच्छा जी. चर्च के अंदर पार्किंग करने की इजाजत देते हैं. चर्च वालों के दिन जब क्रिसमस का टाइम आता है तो हम कहते हैं पूरा पार्किंग लॉट तुम्हारा है. क्या बात कर रहे हो. तो ये देखो यार, ये मस्जिद है और इसके एकदम वहाँ सामने वो देख रहे हो, वो चर्च है. चर्च है. सही है यार, एकदम आमने सामने. बिल्कुल आमने सामने चर्च. कोई दंगा फसाद नहीं, कोई ताना तुनकी नहीं, कोई फतवाबाजी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. आप बहुत सेफ हो यहाँ पे. क्या बात है यार. मतलब देखो यार, मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि भाई आई लव अमेरिका. भाई मतलब खाली ये है कि हम ना दुनिया में आए तो चीजें सीखो. अब हम इंडिया से आ गए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था. अब यहाँ आए तो हमको बोलने की तमीज आ गई, उठना बैठना आ गया,
हमको संवार दिया, एक पत्थर को हीरा बना दिया, और वहां मैं सिर्फ पत्थर था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर था तो मैं कुछ भी नहीं था। बन नहीं सकते थे, वहां पर बन सकते थे, लेकिन आपने चूज़े किया भाई आप चलो हम यहाँ चलते यहाँ पर चलते यहाँ चले आए और यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया। और अभी ऑलमोस्ट कितना बज रहा है भाई, 7 मिनट कम है और यहाँ पर लोग ना इफ्तारी के लिए ऑलरेडी आना शुरू हो गया। आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम मस्जिद में बताया था वहां पर कैसा खेमा वगैरह था, तो यहाँ पर भी देखो इन्होंने कितना अच्छा इफ्तारी का मतलब क्या सेटअप किया, मतलब मैं ना देखकर हैरान हो गया हूँ भाई क्या सेटअप है भाई। ये देखो इफ्तारी के लिए ऑलरेडी सामान वगैरह लेके जाना शुरू कर दिया। फूलचंद, फूलचंद जिंदाबाद। तो ये देखो भाई ये मस्जिद का ग्राउंड है, क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देखो ना अभी एक्चुअली चेरी ब्लॉसम का टाइम है, तो ये देखो कितने पिंक पिंक से झाड़ देखो कैसे हवा में उड़ रहे हैं। और ये देखो यहाँ ये पूरा मस्जिद का ऐसा डेक है, यहाँ वो थोड़ी अलग टाइप की मस्जिद है, जो आप लोग जैसा हम लोग इंडिया पाकिस्तान में देखते ना वैसी मस्जिद आपको नहीं देखने मिलेगी। हाँ। तो यही इसका है ना एक अलग चार्म है भाई। तो आज और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, कोई नमाज वगैरह पढ़ रहा हो तो किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। ये देखो भाई ये यहाँ पर ऐसा कुछ जिन जिनको भी ना भाई अपना प्रमोशन वगैरह करना रहता है ना वो यहाँ पे आके ना अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने बिजनेस का, तो यहाँ पर लोग इस तरीके से भी ना बिजनेस करते हैं अमेरिका में भाई। और ये देखो यहाँ पर भाई माशाल्लाह क्या, एक्चुअली मैं यहाँ ये मेरे घर से थोड़ा दूर है तो मैं अभी आ जाया तो आपको बताता हूँ। देखो नो शूज ऑन द फ्लोर भाई, मैं इसको ऊपर रखता हूँ, चलो दिखाता हूँ। ये है देखो यहाँ की मस्जिद। तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से वजू खाने बनाए हुए, ऐसे यहाँ पर लोग वजू करते हैं, ऐसा सीट पर बैठते और यहाँ पर वजू करते हैं इस तरीके से। सो ऐसा कुछ एक वजू रूम है, छोटी सी खूबसूरत सी। ये देख लो प्लीज नो टॉकिंग इन द प्रेयर एरिया, तो मैं खाली दिखाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, बाहर जाके बात करते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे आप अपने ठंडी के टाइम पे ना ऐसे जैकेट वगैरह लगा सकते हो। और ये ना एक्चुअली किड्स का है ना यहाँ पे क्लब रूम बनाया, मतलब बच्चे जब आते हैं ना पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर आते तो वो लोग यहाँ पर आके ना अपने बच्चों को अंदर छोड़ देते, नमाज पढ़ते, बच्चे लोग अंदर खेलते पढ़ाई करते जो करना उनको करते और फिर वो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ कर जाते। तो इस तरीके की यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद मैंने सोचा कि आपको दिखाओ यार। ये देखो यहाँ पे इमाम साहब की ऑफिस है, वहाँ पर रेस्ट रूम वगैरह है। ये मस्जिद का एरिया था, यहाँ से अंदर भी लेडीज लोगों का रूम है, यहाँ से अंदर जाएंगे तो। अब मैं आप लोगों को बाहर चल के बताता हूँ। तो ये एक्चुअली अंदर से कुछ एक छोटा सा ऐसा व्यू था भाई मस्जिद का, ये देखते हैं। आइए, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, इजी इजी। तो ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू शाम का वक्त, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखो यार ये पुलिस की गाड़ी इतनी पुरानी वाली, मतलब ये टैक्सी जैसा बॉम्बे में कैसे टैक्सी चलती थी वैसे यहाँ की ये पुलिस की गाड़ी है, कुछ ऐसी चलती थी अमेरिका में पहले। अगर देखे ना पुलिस की टैक्सी तो कुछ ऐसी रहती है, टैक्सी नहीं बोल रहा मतलब पुलिस की गाड़ी जो होती थी पहले कुछ ऐसे चलती थी अमेरिका में। और ये देखो लोग अभी भी यहाँ पर ना धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर देखो फैमिली यहाँ पर पूरी अपनी गाड़ियाँ पार्क करती है और फिर लोग यहाँ से आते अंदर जाते नमाज वगैरह पढ़ते। और यहाँ पर पीछे देखो बच्चों को ना खेलने का इन्होंने बनाया भी है। एक और चीज मैं बता दूं, ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक लर्निंग सेंटर है, मतलब यहाँ पर बच्चों को अरबी वगैरह भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर जो मस्जिद के जो मौलाना वगैरह रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, मतलब यहीं के रहते हैं? हाँ, कुछ यहीं के हैं, लोकल भी है, कुछ बाहर से भी आते हैं, कुछ यहीं के, ज्यादातर यहीं के हैं। यहीं के क्या? अच्छा अच्छा। तो मतलब बच्चों को देखो भाई अमेरिका में रहते हुए इस्लाम की तालीम देना भाई इम्पोर्टेंट है ना, वो माहौल देना जरूरी है ना। और यहाँ के अपने जितने भी देसी पेरेंट्स है ना वो लोग चाहते यही है कि भाई बच्चे लोग है ना सही तालीम यहाँ पर हासिल करें, घरेलू माहौल, इस्लामिक माहौल। और वहाँ पर वो बास्केट कोर्ट है, मतलब बास्केटबॉल का कोर्ट है, वहाँ पर आप लोग बास्केटबॉल वगैरह भी खेल सकते हो। चलो अभी मैं आप लोगों का ना ये एरिया बता दो जहाँ पर अंदर ही इफ्तारी का जरा दिखा दें इनको कैसा अरेंजमेंट किया हुआ है, और जरा कुछ बताओ ये अरेंजमेंट के बारे में। सलीम भाई यहाँ के मेन आदमी है, करता धरता जो भाई यहाँ पर अरेंजमेंट वगैरह। ये हमारे चीमा साहब, ये हमारे चीमा साहब हैं, ये हमारे यहाँ के चीमा साहब हैं। अच्छा, बड़े नामचीन आदमी हैं, हम लोग सब स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, तो मतलब हर एक दिन अलग अलग लोग स्पॉन्सर करते हैं तारी वगैरह जो स्पॉन्सर करते हैं ना भाई, वो करने वाले के हर रोज अलग अलग लोग रहते हैं। एक ही बंदा पूरा नहीं करता, सब एक दूसरे की मदद करके अलग अलग मिला के जितने मोस्टली बिजनेसमैन होते ना, बिजनेस ओनर जो आके रहते थे, वो जो भाई साहब जो मिले थे उनका भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट के उन्होंने आज का जो तारी है उसको स्पॉन्सर किया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैसी अरेंजमेंट होती है। काफी बड़ा मतलब अच्छा अरेंजमेंट बनाया है। कितने सारे कम से कम यहाँ कितने लोग बैठ सकते? 300 लोग बैठ सकते यहाँ पे, कम से कम 300 बैठ जाएगा ना जी आराम से भाई, एक टाइम पे मतलब 300 आदमी यार, सही है ना यार। तो भाई कुछ ऐसे अरेंज किया जा रहा है इफ्तारी, तो लोग यहाँ पर आकर खिदमत भी करते हैं, मतलब
जैसे शाम में अपना जॉब वगैरह खत्म करते हैं उसके बाद आकर यार यहाँ पे थोड़ा हेल्प भी करते ताकि थोड़ा अरेंजमेंट वगैरह आसानी से हो जाए उस तरफ लेडीज के लिए इस तरफ जेंट्स के लिए। देखो लोग अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गए, 7:20 की आज की गिरफ्तारी है। ये हमारे जावेद साहब हैं, ये हमारे जावेद साहब हैं। कैसे जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तारीफ में जितना भी कुछ कहो मेरे ख्याल से कम है। कहाँ से आप है? कहाँ से? पाकिस्तान में। किस सिटी से? बताओ पाकिस्तान से हम लोग कैसे रहते हैं? भावलपुर से। तो ये लो भाई, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से। ये लो भाई, ये देखिए पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती देखें आप। बंटवारे से पहले हम एक ही थे, दो भाइयों में बंटवारा हो गया, इन लकीरों ने सब मेरा गर्क कर दिया। जब सुबह उठे तो हम मालूम पड़ा हम पाकिस्तान में और ये हिंदुस्तान में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर यहाँ पे की हम ऐसे सलीम भाई जैसे दोस्त मिल गए। How you guys doing? Who am I talking to? Where we? YouTube. Where YouTuber. You broadcast about? Okay. All the people. Up? What's up, YouTube? India, Pakistan. How's everyone doing? I hope everyone is having a great Ramadan, enjoying with friends and family here, as you see in beautiful America. It's a little bit cold today, but I hope you guys have a great Ramadan. Inshallah. Yes, mashallah. And Allah bless all you guys. तो अभी बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि भाई टाइम्स स्क्वायर में लोग रास्ते में नमाज पढ़ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में क्यों पढ़ना है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा किए। यही तो यहाँ की खूबी है ना भाई। हाँ, यही तो खूबी है। जो भी सब ड्रामाबाजी हो रहा है हमारे गांव में हो रहा है। अच्छा। हमारे मुल्क यहाँ तो सब कहीं भी नमाज पढ़ सकते हो, कहीं भी कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है। आपने देखा ही होगा कि टाइम स्क्वायर में लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जी 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 जी। किसी ने कुछ उंगली किया नहीं, किसी ने धक्का दिया नहीं, किसी ने मुक्का लगाया नहीं, कोई सब नमाज पढ़ रहे हैं, सबको अपना अपना हक है। हाँ, कोई वायलेंट नहीं होना चाहिए, कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म को किसी के मजहब को लेके कोई मजाक ना उड़ाए। सही बात, हर आदमी अपना अपना पाले। सही, कि मतलब अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं। हाँ बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखे। और सारे मजहब की वही कहानी है, और उनकी वही जुबान है कि हर मजहब अच्छा होता है। सही, मजहब सही है और उसको उसकी आजादी का हक भी है। सही बात है। ये नहीं है कि कहीं, यही सबसे बड़ा ये मसला इस मुल्क में जैसा भी है ये मुल्क। हाँ। लेकिन ये आपको अपने हकूक की आजादी देता है, आपके मजहब की आजादी देता है, बस आप बदतमीजी ना करें। ऐसा है किसी को, जैसे मस्जिद में है ना, आप कोई वायलेंट ना करें तो हमें कोई वो परेशान नहीं करेगा। अगर हम जाए उनका पेट्रोल पंप पे आग लगाए की तोड़ फोड़ करें फिर तो मसला, लेकिन जो सही है वो ये की आपका मजहब ही जो है ना आपको कोई नहीं रोकता आने से जाने से किसी किस्म की। बल्कि ये देखो उनके पास ये इनकी गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस वालों की, तो ये पुलिस वालों की गाड़ी हमारी हिफाजत, हमारी हिफाजत के लिए। अच्छा, खड़ी हुई है। जब भी आते हैं ये देखिए यहाँ पे होते हैं ये लोग। तो यही हम लोग मैसेज देते हैं कि यार अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे ना, या किसी के साथ गलत मत करें, खुश रहे, लोगों को खुश रहने दे, अपने काम से काम रखो, काम से काम रखे, है ना, अपने काम से काम, कामयाबी खुद ब खुद मिलेगी। एग्जैक्टली, मेहनत करो फल मिलेगा। बिल्कुल सही। और यही हम चाहते हैं कि तमाम ममालिक में मजहबी आजादी होनी चाहिए, उनके मजहबी जो ना जज्बात मजरूनी जो होने चाहिए। बेशक मस्जिद हो या मंदिर हो, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला के घर होते हैं। आप इनके ऊपर, हम तमाम लोगों को चाहते हैं कि किसी को भी किसी किस्म का मकसद शिकायत का मौका ना मिले। तो ये खुदा के वास्ते तमाम अहबाब से ये बताएं कि वो चर्च है या मंदिर है या मस्जिद है, उसे तोड़ फोड़ ना करें, उसके इससे उसकी हिफाजत करें, उसकी हिफाजत करें। ये मेरा भी पैगाम यही है कि किसी को हर्ट मत पहुंचाओ। कोई मजहब ये नहीं कहता है कि किसी को मारो किसी को काटो, कोई मजहब नहीं कहता है। तो फिर अभी आप लोग देख रहे हैं कि मतलब लोग है ना एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर फिर मतलब अपने देश में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बट अगर बाहर जाकर आप देखो तो भाई पिक्चर कुछ अलग ही है। हाँ बिल्कुल, है ना, एकदम कुछ अलग ही चल रहा है। राइट, लोग इतने मोहब्बत से आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे, रह रहे हैं ना। बिल्कुल, इफ्तारी का भी एक्चुअली टाइम हो रहा है, तो अंदर की तरफ निकलते हैं और लोगों से भी करेंगे किस तरीके से इफ्तार हो रही है। भाई लोग अभी भी देखो, लोग आना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बंद नहीं हुआ, धीरे 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 लोग ना देखो पीछे से आ ही रहे हैं भाई, एंट्री मार रहे, पूरा पार्किंग लॉट फुल हो गया। वो देखो पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है भाई। मैंने सोचा ये ना मेरे घर के पास, ये टाउन है ना थोड़ा मेरे घर से दूर ही था, मैंने सोचा अभी आया हो तो आप लोगों ने एक वीडियो बनाकर बताओ कि भाई यहाँ पे छोटे से टाउन में एक खूबसूरत सी ये छोटी सी जो मस्जिद है, ये मक्का लर्निंग सेंटर भाई, मैं तो इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दो कि भाई अमेरिका के कुछ ऐसे ऐसे गांव भी है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे इलाके भी है भाई जहाँ पर छोटी छोटी मस्जिद है लेकिन वहां पर मुसलमानों की तादाद है। इंडिया पाकिस्तान में जो अपना वो जो रमजान का जो माहौल होता है ना भाई, एकदम वैसा फील हो रहा है, दरअसल वैसा ही फील हो रहा है। और पीछे देखो आइसक्रीम की ट्रक भी आई है भाई, पीछे आइसक्रीम की ट्रक, वो पूरा कुल्फी वगैरह लेकर आया, तो मतलब एक अच्छा माहौल बन रहा है यहाँ पर। ये देखो भाई लोग आकर यहाँ बैठ गए, और ये अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, एक्चुअली अभी थोड़ी आज ना थोड़ी ज्यादा ठंडी है, तो इन लोगों ने यहाँ पर ना ऐसा ये हीटर लगा दिया भाई, ये हीटर के नीचे बैठ कर लोग इत्मीनान से इफ्तारी कर रहे थे। देखो यहाँ के शायद इमाम वगैरह है जो यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ाते, और कुछ कुछ लोग तो यार यहाँ पे मलेशिया वगैरह से भी आए हुए, जैसे भाई साहब की मैं बात कर रहा था।
लोग तो आए भी नहीं। अच्छा, ये देखो भाई इफ्तारी खाए लेकिन पता नहीं चला कि खाए, देखो पूरा कितना साफ करके, देखो ऐसा छोड़ कर गए, ऐसा नहीं कि मतलब खाने के बाद कैसा ही छोड़ के निकल गए, थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे टेबल लगाए थे। अभी अंदर चल कर थोड़ा नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो गया, अंदर चल के थोड़ा नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ मंजर है भाई यहाँ पर, देखो ये है दूसरी मस्जिद जिसका मैंने जिक्र किया था, ये दूसरी मस्जिद आया आज यहाँ पर, कितनी छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद। और मैं हमेशा से यही चाहता था कि भाई यहाँ पर आओ, आप लोगों को रमज़ान बताओ कि कैसा होता है यहाँ पर। ये एक छोटा सा टाउन है मेरे घर से एक घंटे की दूरी पर, लेकिन अच्छा खूबसूरत सा टाउन है भाई, मस्जिद है यहाँ पर, इस तरीके से भाई रमज़ान को लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से लोग यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, और बिल्कुल अपना मतलब इंडिया पाकिस्तान वाली आपको फील आ ही रहेगी अंदर मस्जिद के अंदर, बिल्कुल यार इबादत हम लोग जो करते हैं वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा, भले वो बड़े से बड़ी सिटी हो छोटे से छोटा टाउन हो, भाई देखो लोग बराबर रमज़ान के वक्त नमाज वगैरह भाई अपनी अदा करते हैं, और देखकर बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कुछ यार। और मैंने इस बार ये डिसाइड किया कि भाई मैं ना अमेरिका के जितने भी मोस्टली मैं कोशिश करूंगा जितनी मस्जिदों में आप लोगों को अलग अलग मस्जिदों में जाकर दिखा सकूं कि भाई यहाँ की मस्जिदें है कैसा, लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। अभी एक और मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे हाँ भाई वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि भाई एक ऐसा टाउन जहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं, तो मैं वैसा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग बोलोगे बनाओ तो भाई बिल्कुल बनाएंगे, और ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अमेरिका के बारे में कि शायद से आप लोगों ने ना कभी देखे नहीं रहोगे और कभी सुने भी नहीं रहोगे, ऐसी ऐसी जगह मैं आप लोगों को है ना अमेरिका की दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी एक्चुअली अंदर है ना खाने का भी इंतजाम किया गया। लास्ट वीडियो में लोग बोलते भाई आपका कैमरा बहुत ज्यादा मूव होता है, आवाज कम आ रही, तो आज मेरे माइक वगैरह सब इंतजाम करके कि भाई आप लोग अच्छे से अच्छी वीडियो में आप लोगों को दे सको, और यही मेरी कोशिश है। आज आप लोगों ने किया रहोगे रियलाइज, लास्ट वीडियो में देखे अजान नहीं हुई थी यहां पर, अजान इसीलिए हुई आपने किए यहां पर, मस्जिद में अजान नहीं हुई, इस मस्जिद में भी यहां पर अजान नहीं हुई, अजान कहां पर दिए जहाँ पर अंदर बैठकर खा रहे थे ना, जहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे उस एरिया में वो बंदा आपने देखे रहे हो कि भाई वो खड़े होकर अजान दे रहा था। तो यहाँ पर यार ये भी मेरे लिए अभी भी बियर्ड है कि यार मस्जिद के अंदर मतलब प्रॉपर स्पीकर में अजान नहीं हुई। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या मुंबई में हो रही है, इंडिया की किस सिटी में हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है मस्जिदों के अंदर अजान, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई इंडिया पाकिस्तान में क्या अभी भी प्रॉपर अजान वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखो अभी लोग भाई नमाज पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, और क्या खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ, ये देरी हो जाए उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भाई यहाँ पर ना ये है मस्जिद जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पर ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना ये एरिया है, इसके पीछे ना पूरा क्रिकेट का ग्राउंड है, तो मतलब ये मस्जिद की तरफ से ना भाई क्रिकेट का ग्राउंड, इसके पूरा पिच वगैरह बनाई गई है, तो वहाँ पर लोग खेलते हैं। और वो चर्च की बात कर रहे थे सलीम भाई, ये देखो सामने वो चर्च है। और अभी भाई यहाँ पर खाने का इंतजाम किया गया, अभी देखो अभी लोग लाइन लगा गए ना खाना खाएंगे, यहाँ देखो ये दो। वालेकुम अस्सलाम। और अमेरिका में ये बहुत फेमस है, यहाँ पर ना ये राइस के ऊपर ना चिकन वगैरह डालकर लोग यहाँ पर खाते हैं, और यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं और बहुत बिकते भी हैं यहाँ पर। तो अभी जब मैं प्लेट में लूँगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर दे क्या रहे हैं। तो ऐसे ये सैफरॉन का ऐसा राइस रहता है, ये देखिए कुछ ऐसा राइस रहता है भाई, अब इस राइस के ऊपर चिकन और लैम डालकर खाएंगे। तो ये आ गया भाई चिकन, अब इसके ऊपर थोड़ा सा साइड में लेंगे लैम, थैंक यू। और यहाँ पर ये ऐसी वाइट सॉस इसके ऊपर, और ये रेड स्पाइसी सॉस डालते हैं। अमेरिका में इंसान कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क वगैरह जाता है तो ये खाता ही खाता है ना। हाँ, बिल्कुल है ना। और अमेरिका में यहाँ जो रहते हैं उसको एंजॉय करते ही है। जो अमेरिका में रहकर जायरो, हाँ, फलाफल, हॉट डॉग नहीं खाया वो अमेरिकन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, सही बात है। तो भाई अमेरिका का मतलब भाई यहाँ पे लोगों का ये मेन खाना है वड़ा पाव, अभी मैं वही बोलने वाला था, जैसा लोग खाते ना वड़ा पाव वगैरह वैसे यहाँ पर लोग ये खाते हैं। तो ये देखो रात के वक्त कितनी खूबसूरत लग रही है अब ये मस्जिद, ये देखो। और ये आंटी यहाँ सर जा रहे हैं, अभी उनका इफ्तारी हो गया, और यहाँ पर अभी भी लोग है, पूरा पार्किंग लॉट देखो अभी भी फुल है। अभी ऑलमोस्ट रात के कितने बज गए, 8:30 बजने आ गए, 8:45 पे शुरू हो जाती तरावी, और उसके बाद कुछ लोग 8 तरावी पढ़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो 4 पढ़ के चले जाते हैं, पूरे 20 पढ़ लेते हैं, 20 पढ़ते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो 27 रमजान मुबारक को यहाँ पे जो ना वो होगा खत्म कुरान होगा। अच्छा, तो इस तरह से ये है कि खासतौर पे इन दिनों में बहुत लोगों की आमद बहुत ज्यादा होती है।
अच्छा आम हालात से ज्यादा होती है क्योंकि आम हालात में लोग जो ना अपने काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ना हमें जोश व खरोश देखने में आता है कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें तमाम लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा शिरकत करते हैं, कुरान पाक जो सुनते हैं, यहाँ पे जो उलमाए कराम आते हैं वो, और उसके बाद अब इस वक्त दर्स हो रहा है अंदर जो है ना, दर्स हो रहा है, ये 8-9 बजे तक दर्स होगा। दर्स में जो है ना वो मुख्तलिफ अहादीस और उनका तर्जमा, उसके अलावा जो है ना कुरान पाक का तर्जमा भी बताते हैं। अज़ान होगी, फिर नमाज ईशा अदा की जाएगी। इन्होंने तो पूरा हदीस पढ़ दी। नहीं अच्छा नहीं, इन्होंने मतलब पूरा बता ही दिए, पूरा बता दिया। पर क्या हो रहा है? जड़ से बता दिया। जड़ से बता दिए। मैंने पिछली खफगी दूर कर दी। तो ये साहब को देखिए, इज माय ब्रदर मेकिंग यूट्यूब एंड ही इज अ ब्रदर रिदवान, आवर कम्युनिटी लीडर। यू फ्रॉम जॉर्डन? या ही इज फ्रॉम जॉर्डन। ओके ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो, रिदवान जावेद उस्मान मेरा नाम, मैं रिटायर एसोसिएट प्रोफेसर हूं पाकिस्तान से, मेरा नाम जावेद उस्मान है। और ये हमारे सलीम भाई अपने अंधेरी के बम्बई के, आप है ना स्पेशल कॉमेंट में ना थैंक यू इन दोनों को लिखना यार। वैसे ना सर्दी अभी काफी ज्यादा बढ़ रही है, अभी बस ऑलमोस्ट 8:30 बज गए, मैं यहाँ से निकलता हूँ, घर जाता हूँ ये वीडियो को एडिट वगैरह करने। और अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई और ऐसी वीडियो बनाएं आप, तो मेरा फिर प्लान है यहाँ से दूसरे स्टेट में भी जाना, वहाँ की भी जितनी भी मस्जिद है आप लोगों को बताओ। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सारी मस्जिदों की फोटो निकालो, वीडियो निकालो और सब उनकी अच्छी 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 बात को कैप्चर करो और हमारे कम्युनिटी में फैलाओ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत मेहनत से बनाई है, मैं आप तमाम लोगों को बता रहा हूँ, ये इनकी बहुत मेहनत है, इस मेहनत का अजर सिर्फ आप इतना ही देंगे, इसको क्लिक करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ये मजीद इनको हौसला अफजाई हो और ये मजीद जो है ना वो बनाए। लो कितना अच्छा बोलते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा। चले भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब इन्होंने सब कुछ कह दिया है, प्लीज करके जाना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं आपको। चलो जी 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 मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।